अजनबी के बाद किशोरदा कई सारे मामलों में जहां परफेक्ट थे, जहां उनके सुर भी परफेक्ट लगते थे, वहां उनकी कुछ बातें थी, कुछ कैलकुलेशंस हुआ करते थे, वो चाहते थे कि वो भी परफेक्ट हों। भाई अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोड्यूसर भी मुझे गाना गाने से पहले 100% मेरा पेमेंट कर दे। अब कई बार ऐसा होता था कि जब वो रिकॉर्डिंग को जाते थे तो वहां पर उनके साथ अब्दुल करके उनके बहुत ही करीबी एक साथी रहते थे, और जब वो एक रुमाल यूं दिखाते थे तो समझ में आ जाता था किशोरदा कि भाई आज पेमेंट हो गई है तो मैं ये गाना अब दिल से गाऊंगा। अब हुआ ये कि एक दिन उन्होंने एक गाने की रिकॉर्डिंग के स्टूडियो पर, तो वो पहुंचे, देखा अब्दुल आसपास कहीं नहीं है, कोई इशारा हो नहीं रहा है, तो वो बोलने लगे बस आज मेरा मूड नहीं, आज मैं गाना नहीं गाऊंगा। अरे मगर क्यों नहीं गाएंगे, लोग उनके पीछे पीछे जाने लगे, पूछने लगे क्यों नहीं गाएंगे, क्यों नहीं, नहीं प्रोड्यूसर ने मुझे आज पैसे ही नहीं दिए। तो लोगों ने बताया इस फिल्म के प्रोड्यूसर तो आप ही हैं। खैर एक बहुत ही मनमौजी किस्म के वो कलाकार फनकार थे जिनका ये मानना था कि दिल को हमेशा अनपढ़ रखना चाहिए और दिमाग को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भले ही काफ़ी स्ट्रगल के दिनों में, काफ़ी यू नो पढ़ाई को भी पीछे छोड़कर वो यहाँ मुंबई आए गाने के लिए, सारी तैयारियां उन्होंने कर ली, मगर एक जो किस्सा उनको हमेशा याद रहता था वो था उन दिनों का जब वो पढ़ाई करते थे वहाँ इंदौर में, तो उस कैंटीन का कुछ बकाया पैसा बाकी था।
उस गाने को उन्होंने अपनी एक फिल्म में इस तरह से उन लफ्जों को उस हिसाब किताब को गाया है कि मुझे यकीन है आप सुनेंगे तो आपको बेहद मजा आएगा। इसी अंदाज को आपके सामने लेकर आ रहे हैं इस मंच पर राजेश अय्यर जी, और उनका साथ देंगी निरुपमा डे फ्रॉम द फिल्म चलती का नाम गाड़ी।